हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस न्यू हेल्दी टिप्स के साथ। ये होने वाला है विटामिन B12 के नाम, क्योंकि दोस्तों अगर विटामिन B12 आपके शरीर में कमी होती है तो बहुत सारे लक्षण दिखने लगते हैं। इनमें एक पैरों में भी लक्षण दिखाई देता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को और जानते हैं कि कौन कौन से लक्षण आखिर हैं जो विटामिन B12 के कमी को दिखाते हैं। दोस्तों विटामिन B12 शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं, ऐसे में इसकी कमी होने पर पैरों में कमजोरी और थकान जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये एक तो सिम्टम्स पता चल गया आपको क्या करता है विटामिन B12, ये जानिए। विटामिन B12 शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व में से एक है। यह शरीर में रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन में और नर्वस सिस्टम को बेहतर करने में मदद करता है। तो है ना विटामिन B12 बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। दोस्तों पैर हो जाते हैं सुन्न। शरीर में विटामिन B12 की कमी होने के कारण लोगों के हाथ और पैर सुन्न होने लगते हैं, जिसके कारण हाथों और पैरों में झंझनाहट होती है। विटामिन B12 की कमी से पैरों की नसें भी कमज़ोर होने लगती हैं, चलने में भी परेशानी होने लगेगी। शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर पैरों में सेंसेशन की कमी होने लगती है, ऐसे में पैरों में दर्द और फिर चलने फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों मसल्स में ऐठन भी होने लगती है। शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और मसल्स क्रैम्प्स की समस्या होती है, जिसके कारण पैरों और पैरों की उंगलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है और होने लगता है। विटामिन B12 की कमी के अन्य लक्षण भी और होते हैं। शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर लोगों को हाथों पैरों में जलन, मुंह और जीभ में दर्द, सिर दर्द, त्वचा में पीलापन, पाचन से जुड़ी समस्याएं, थकान और कमजोरी जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। दोस्तों शरीर में विटामिन B12 की नॉर्मल स्तर क्या होता है? शरीर में विटामिन B12 का नॉर्मल स्तर 300 PG/ml से ज़्यादा होना चाहिए। शरीर में इसकी कमी को दूर करने के लिए आप हेल्दी डाइट का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों विटामिन B12 की कमी को कैसे दूर करना है? शरीर में विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए आप हेल्दी डाइट का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स, मछली और मीट का सेवन कर सकते हैं और कई अन्य उत्पादन भी हैं जिसे आप खाकर अपने विटामिन B12 के स्तर को ठीक कर सकते हैं और इस सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। दोस्तों ये थी विटामिन B12 से होने वाली परेशानियों। अगर आपको इसका उपाय चाहिए तो इस वीडियो में मैंने बात की है। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर ऐसा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, भाई को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू हेल्थी टिप्स के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।